दोस्तों हमारी ये न्यू ओवन बनकर एकदम तैयार हो गई है। हम इसकी सेटिंग करते हैं, देखिए हम आपको सेटिंग करके इसकी दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ टिम टिम करेगी, इसकी सेटिंग करेंगे। ये हमारा ऑन ऑफ और यहाँ ये W लिखा हुआ है यहाँ हम तो ना। नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको ओवन की वायरिंग करके दिखाएंगे, पूरी असेंबली हम आपके सामने करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा ओवन का मदरबोर्ड है और ये हमारा कंट्रोलर है और ये हमारा फ्रंट पैनल है। देखिए बिल्कुल एकदम कटा हुआ है। और ये हमारा ओवन का चैम्बर है और ये हमारी वायरिंग है। ये वायरिंग हम इसमें असेंबल करेंगे। और ये हमारे पीछे का चैम्बर है, इसमें यहाँ हमारे हीटर लगे हुए हैं, ये हीटर की हमारी वायरिंग है और ये हमारे मदरबोर्ड के कनेक्शन है। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखना है, कुछ तब समझ में आ पाएगा। चलो अब हम इस ओवन को असेंबल करते हैं। ये देखिए ये हमारा ओवन का कंट्रोलर है, तो कंट्रोलर हम यहाँ फिट कर लेते हैं। ये कंट्रोलर है, इसमें ये स्विच लगा देंगे, ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और बाकी ये जो हमारा इसका कार्ड है, इसकी हम पूरी सेटिंग करते हैं। ये वायर हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमने इसके वायर निकाल लिए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना है। एक 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 वायरिंग हम प्यार से करते जाएंगे, आप उसमें देखते रहना। ये वाला हमारा थर्मोकपल का वायर है, इसमें रेड और ब्लैक दो वायर हैं, अलग अलग लगेंगे। यदि थर्मोकपल हमारी उल्टी लग जाती है तो हम थर्मोकपल को चेंज कर देते हैं, फिर हमारा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों देखिए हमने टेप से भी इसको कंट्रोलर को रोका हुआ है, उसमें हम पेंच लगाएंगे और लोग लगाएंगे, टेप लास्ट में इसको हम हटा देंगे। और ये हमारी कंट्रोलर पीसीबी है, यहाँ हम इसमें ये वायरिंग करेंगे और इसको यहाँ हम अंदर इसको फिर इसमें घुसा देंगे। इसकी यहाँ पूरी स्लॉट बनी हुई है, ये देखिए एक एक वायरिंग करेंगे। इस पे यहाँ नंबरिंग हो रखी है, कनेक्टर लगाएंगे, वायरिंग देख देख के लगाएंगे। ये कनेक्टर लगा दिया हमने, एक कनेक्टर लग गया। और ये 5-6 वायर हैं, 5-6 वायर भी हम लगा देंगे। दोस्तों वायर पर नंबर पड़ा हुआ है, कनेक्टर पर नंबर पड़ा हुआ है, तो दोनों का नंबर मैच करके हम यहाँ पर ऐसे इसको लगाएंगे। जितने भी हमारे अच्छे स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनकी जो वायरिंग होती है वो स्टैंडर्ड होती है, इन पर नंबरिंग पड़ी हुई होती है, तो नंबर से नंबर मिलाना होता है। ऐसे इलेक्ट्रिकल में होता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में होता है। तो ये हम पूरी वायरिंग इसकी करेंगे और लास्ट में मैं इसकी आपको सेटिंग करना भी बताऊंगा कि हम ओवन की सेटिंग करते हैं। इसकी सेटिंग बहुत ही क्रिटिकल है, पिछली बार भी मैंने पुरानी ओवन की सेटिंग आपको बताई थी, तो आप लिंक में जाकर पुरानी सेटिंग भी देख सकते हैं और अभी इस वीडियो पर भी ये सेटिंग देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना है, मैं इसकी पूरी सेटिंग एंड तक बताऊंगा कैसे कैसे हम इसकी सेटिंग करते हैं। साफ करके यहाँ पर हम अर्थिंग की वायर लगा देंगे, कार्ड की वायरिंग हमने कर ली है। देखिए तो दोस्तों अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। ये देखिए हमारा पैनल भी फिट हो गया है, टेप हटा दी है, पेंच पेंच लगा दी हमने इसमें। और अब आपको दिखाएंगे हम पीछे का पैनल, पीछे के पैनल भी हमने ये टाइट कर दिया है। ये वाला स्विच ये वेंटिलेशन के लिए है, अंदर का जो हमारा चैम्बर है, चैम्बर हॉट हो जाता है तो इसको जल्दी से कूल करने के लिए।
हम पीछे एक वेंटिलेशन कूलिंग फैन लगाया हुआ है, और ये देखिए जो चैम्बर है इसमें जाली लगाई हुई है, इसमें ये हमारी चार जाली हैं, ये वाली यहाँ हम इसमें जाली फंसाते हैं, चार जाली हैं। तो ये पूरी जाली के ऊपर हम इसको जो हमें सामान गर्म करना होता है या कूल करना होता है इसमें हम रखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने कार्ड भी इसमें असेंबल कर दिया है। ये देखिए अभी कार्ड बाहर था तो ये पूरा हमने असेंबल कर दिया है, और पीछे का पैनल भी हमने ये लगा दिया है। आओ अब हम आपको इसकी सेटिंग करना बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ऑन ऑफ है, हमने ऑन कर दी है ओवन को ऑन कर दिया है। टेम्परेचर अभी 33 डिग्री है, और ये प्रोग्राम वन, प्रोग्राम टू, और ये बत्ती जल गई है। तो ऑन करने के बाद इस तरह से आपका ये आएगा। यदि ये बत्ती रेड जलती है तो माइक हमारी ओवन ये बिल्कुल भी नहीं चलेगी, हमें ये बत्ती बंद करनी है। ये यहाँ सामने नोब है, तो इससे हम नोब को पेंसिल से या किसी स्क्रू ड्राइवर वगैरह से ऑफ कर देते हैं। ये देखिए हमने बंद कर दी है, हमारी रेड बत्ती बंद हो गई है। तो अब हम इसकी सेटिंग करेंगे। कंट्रोलर से इसकी सेटिंग कैसे करनी है ये देखिए, ये यहाँ XW लिखा हुआ है, तो XW दबाएंगे हम। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेट करते हैं, हमने ये यहाँ दबा दिया है। अब हम इसको देखिए, टेम्परेचर यहाँ से डिक्रीज करते हैं, ये डिक्रीज हो रहा है, और ये एक इंक्रीज वाला और एक डिक्रीज वाला, तो ये डिक्रीज हो रहा है, 80 हो गया, और दूसरे से हम बढ़ाएंगे, ये हम अब बढ़ा रहे हैं। तो हमने इसका टेम्परेचर 100 डिग्री कर दिया है और यहाँ से ऑन कर दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ से इसके हम सेटिंग करते हैं, ये 1.2 वाट लिख आएगा, तो ये घंटे के बाद ऑन होगा। तो मुझे ये एक मिनट के बाद ऑन करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 0.01, यहाँ मैं इसको 0.01 करूँगा, तो ये मेरी ओवन एक मिनट के बाद ऑन हो जाएगी। ये देखिए, ये चलो मैंने 4 मिनट के बाद किया है, 4 मिनट के बाद ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों ये वाला जहाँ भी मैं सेटिंग कर रहा हूँ P2, ये मुझे कितनी देर होल्ड रखना है, ये मेरा होल्डिंग का है। जैसे मुझे 100 डिग्री टेम्परेचर एक घंटा होल्ड रखना है, तो मैं यहाँ 1 लिख दूंगा, तो एक घंटा होल्ड हो जाएगा। और इधर मैं 9-8 या कुछ रखूँगा, तो ये इस मिनटों के हिसाब से फिर ये सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद हम इसको XW को दबा देंगे, और माइक इसको ओवन को बंद कर देंगे। ये देखिए हम इसको ओवन को बंद कर देंगे, और दोबारा से हम ऑन कर देते हैं। ये 100 डिग्री हमारा सेट हो गया है, देखिए 4 मिनट के बाद ये ऑन हो जाएगा। ये इस टाइप से हम इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद फिर दोबारा से ऑन करेंगे, प्रोग्राम हमारा सेट हो गया है। तो दोस्तों प्रोग्राम सेट करने के बाद एक बार यहाँ से फिर दोबारा से ऑन करते हैं 0.01, तो ये अब हमारा एक मिनट के बाद ऑन हो जाएगा और 100 डिग्री तक जाएगा। एक घंटा में रोकना है, तो एक घंटा रुकेगा। ये देखिए ये यहाँ ये सिग्नल आ गया है, ये हमारी ओवन चल गई है 35 डिग्री, अभी रूम टेम्परेचर है 35 डिग्री, रूम टेम्परेचर चैम्बर का टेम्परेचर दिखा रहा है। अब धीरे धीरे इसमें टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, देखिए 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, बहुत जल्दी इसमें टेम्परेचर बढ़ता है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।